सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट यानी पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र जारी करना होता है प्रत्येक साल में नवंबर और दिसंबर महीने में। जो भी पेंशनर्स साथी हैं उन सभी को जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होता है, तभी जाकर के उनकी पेंशन है वो अगले साल तक कंटिन्यूस रहती है। इस बार गवर्नमेंट ने IFMS 3.0 के माध्यम से किसी भी सरकारी कर्मचारी, जो भी वर्तमान में पोस्टेड कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ते हुए जो भी राजपत्रित अराजपत्रित जो भी कर्मचारी हैं, मंत्रालय कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों की SSO ID के माध्यम से किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है। पहले यह लाइफ सर्टिफिकेट ऑफलाइन माध्यम से ट्रेजरी में या बैंक में जमा करवाना होता था, अब की बार इन्होंने थोड़ा इसको अपडेट किया है। लाइफ सर्टिफिकेट है वो कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी उस पेंशनर्स को देखते हुए अपनी SSO ID के माध्यम से पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकता है। सीधा ही ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, पेंशनर की साइट पे भी दिखेगा, उनकी SSO ID पे भी दिखेगा। तो इस वीडियो में साथियों मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइवली करके कि आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनाएंगे किसी भी पेंशनर्स का, जो भी सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स हैं। एक तो होते हैं सामाजिक पेंशनर, उनके लिए नहीं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन पेंशनर्स के लिए आप लोग किस प्रकार से लाइफ सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, किस प्रकार से जारी करेंगे वो आपको इस वीडियो में साथियों बताने वाला हूं। चलिए वीडियो प्रारंभ करूं, उससे पहले छोटा सा निवेदन करूंगा, आप यदि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग SSO प्रोफाइल पे पहुंचते हैं, यानी SSO लॉगिन होना है हम लोगों को। SSO लॉगिन ID पासवर्ड डालते हुए आप कैप्चा डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन होते ही साथियों यहां पे आप लोग देखेंगे दो तरह के ऐप्स देखेंगे, गवर्नमेंट ऐप्स और सिटीजन ऐप्स। तो हम लोगों को गवर्नमेंट ऐप के अंदर रहना है। अभी मेरे यहाँ IFMS 3.0 आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने उसको पिछले दिनों नहीं खोला है। तो आप लोग अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्टिव क्लिक करके यहाँ सर्च ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें IFMS 3.0 लिखेंगे तो IFMS 3.0 से संबंधित जो भी टैब्स हैं वो आ जाएगा। देखिए IFMS 3.0 कोई बिना फोटो का ये ऐसा फोटो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने सर्च किया है IFMS लिखा और ये आ गया 3.0। ये साथियों किसकी ID से करना है, कर्मचारी की ID से, जो वर्तमान में रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी SSO ID से लाइफ सर्टिफिकेट होगा, किसका, पेंशनर्स का। तो ये मैं साथियों लाइफ सर्टिफिकेट के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो वर्तमान में कार्यरत है उनकी SSO खोल के आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज इस पे क्लिक करना है, ESS पे क्लिक करेंगे। ESS पे क्लिक करते हैं साथियों ये वाला एकदम होम पेज खुल जाएगा, यहाँ पे उस कर्मचारी का नाम वगैरह यानी उनकी प्रोफाइल खुलेगी जिस कर्मचारी का आपने SSO खोला है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे आपको दिखेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC e-sign for पेंशनर्स, ये ऑप्शन नया डाला गया है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं साथियों आप लोगों से पूछा जाएगा कौन से ईयर के लिए करना चाह रहे हैं, तो अपन लोग 2024 के लिए करना चाह रहे हैं। 2024 सेलेक्ट करते हुए आप जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट न्यू लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं साथियों आपसे एंटर PPO नंबर, पेंशनर्स के PPO नंबर मांगे जाएंगे और लास्ट 4 डिजिट अकाउंट नंबर मांगे जाएंगे जिस पेंशनर का आप लाइफ सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ PPO नंबर डालना है, लास्ट 4 डिजिट डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस पेंशनर्स की डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, उनका फोटो, उनका जन्म आधार नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, उनका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ब्लड ग्रुप वगैरह सारा कुछ जो उनके PPO में दर्ज है वो सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ये सारी डिटेल्स एकदम सही है तो आप लोग यहाँ जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, ये इस पे क्लिक करेंगे। जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है उस पे क्लिक करना है। जैसे उस पे क्लिक करते हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट एक बार बनके तैयार होगा, प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या का धारक है एवं जिनका खाता संख्या लास्ट इतना है को देखा है एवं वैश्य दिनांक को जीवित है, स्थान एक, दिनांक कितनी तारीख को जारी कर रहे हैं, कब तक, यानी जब जारी करेंगे जिस महीने में नवंबर में जारी कर रहे हैं तो 30 नवंबर 2025 तक ये वैलिड रहने वाला है, ठीक है। आपने इसको देख लिया, ये देखने के बाद साथियों इसको काट दीजिएगा, क्लोज करिए। क्लोज करते हैं यहाँ आप लोगों को ऑप्शन दिखेंगे, लाइफ सर्टिफिकेट जो आप ही देख रहे हैं व्यूज कर रहे हैं वो दिखेगा, अप्रूव एंड ई साइन, अप्रूव एंड ई साइन आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्रूव एंड ई साइन पे क्लिक करेंगे साथियों यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पे उस गवर्नमेंट कर्मचारी के आधार नंबर लगाने हैं जिसकी SSO ID आप लोग यूज कर रहे हैं, ना कि पेंशनर्स के। यहाँ पे उनके आधार नंबर डालेंगे, इसको टिक करेंगे और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आ जाएगी, उस OTP को डालते हुए आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही डिजिटली साइन होकर के आपके सामने जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जीवन प्रमाण पत्र वो उस कर्मचारी के डिजिटली साइन हो जाएंगे, आधार बेस्ड डिजिटल साइन होकर के ये आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं और
पीडीएफ निकाल सकते हैं। अब अपन इसको देखते हैं, जैसे आपने किया उसको ओके करेंगे तो आपने जो पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट के रूप में दिखेंगे। आप यहाँ से आंख का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करते हुए उसकी पीडीएफ वापस निकाल सकते हैं। अब हमें देखना है कि पेंशनर्स जो है उनकी साइड पे यानी उनके IFMS 3.0 पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ये सर्टिफिकेट। देखेंगे हम लोग जैसे ही अब वापस वही जो पेंशनर्स हैं उनकी SSO ID और पासवर्ड लगाते हुए जो गवर्नमेंट वाली SSO ID थी जो RJJL वाली वो RJ वाली ID डालते हुए हम लोग लॉगिन होते हैं SSO के अंदर और यहाँ SS पेंशन सेल्फ सर्विस PSS पोर्टल दिखेगा उस कर्मचारी के जो पेंशनर्स हैं उनके। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों आप लोग इसके होम पेज पे पहुंचेंगे। पहुंचते ही यहाँ प्रीव्यू अप्रूव्ड लाइफ सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आंख का निशान जो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही साथियों जो सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था गवर्नमेंट कर्मचारी की ID पे वो पेंशनर्स की ID पर भी दिखने लग गया है सेम टू सेम। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी गवर्नमेंट की जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी जो वर्तमान में रेगुलर सर्विस में है वो सभी इस सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।